हेलो गाइस, गिविंग गेमर रियल वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बताएंगे ये 18 वाला ऐसा क्यों किया गरीना ने, और आपके सामने ये हमेशा आने वाला है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते हो, एंड 5 चेंजेस आपके गेम में होने वाला है। ठीक है, ये समझो कि मतलब हम लोग का जो सरकार होता है उसके तरफ से हुआ है, मतलब हम लोग को गेम यहाँ पर जो 5 सितंबर को जो रिटर्न आने वाला है उसके वजह से हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है आपको 5 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। फ्री फायर मैक्स के साथ भी होने वाला है, एंड साथ में जो फ्री फायर इंडिया आने वाला है 5 सितंबर में, इसके साथ भी होगा, इसलिए ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलने वाला है। पूरा इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, आप कितना देर गेम प्ले कर पाओगे, किस आईडी में किस में लॉगिन कर पाओगे, पूरा इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ क्लियर कर देंगे। पहला स्टेप गाइस, आप लोग 5 सितंबर को आराम से डाउनलोड कर लोगे, तो उसके बाद आपको ये 5 प्रकार का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब अभी आपको फ्री फायर मैक्स भी ओपन करोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड साथ में जिस दिन आप फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड करोगे 5 तारीख को, उस दिन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको चेंजेस देखने को मिलेगा यहां पर ओटीपी, यहां पर वेरिफिकेशन, मतलब 18 ईयर वाला जो होता है ना ब्रदर, ये आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है। मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ओपन करोगे तो यहां पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर यहां पर कुछ भी सिलेक्ट कर लिए भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, गलत भी कर लिए तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपना सेटिंग पर क्लिक करोगे, फ्री फायर इंडिया रहे या फ्री फायर रहे कुछ भी रहेगा भाई, यहां पर सेटिंग होगा जगह, वहां पर आओगे एंड साथ में देखो जब आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक प्रोटेक्शन यहां पर लगाया गया है, वही पहला नंबर पे कि आप लोग अगर 18 ईयर से कम हो तो भाई यहां पर आप लोग सिलेक्ट करोगे एंड यहां पर आपका जो भी गार्जियन का जो नंबर है यहां पर देकर कर सकते हो। का डाउट होगा कि मंडे भाई अगर मैं यहां पर गलत कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां पर गलत कर दूंगा तो भाई मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब कि अगर मैं यहां पर 18 ईयर कर दूंगा तो मुझे कुछ भी यहां पर खोजने को यहां पर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम होगी। बहुत का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी जो फेसबुक आईडी है वो मेरे पापा का है या मम्मी का है, तो मेरी उसमें एज 18 से ऊपर है, क्या मैं 18 ही सिलेक्ट कर लूंगा तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? तो भाई मैं बताना चाहूंगा आपकी अगर जीमेल सब अगर 18 ईयर उसमें है तो आप 18 ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए सिक्योरिटी के लिए है कि अगर आपके साथ कुछ भी बाद में प्रॉब्लम हो जाता है तो भाई आपको यहां पर रूल दिया गया है, मतलब आपको एक नहीं होता है कि यूट्यूब में जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, इसलिए इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन समझ लो कि आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत का डाउट होता है कि अगर मैं गलत सिलेक्ट कर लूंगा तो क्या मेरी आईडी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये समझो आपके सिक्योरिटी के लिए हम लोग की जो सरकार जो रूल को जो फॉलो किया उसे यहां पर गरीना ने रूल को फॉलो किया, ऐसा होना चाहिए। तो भाई आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप लोग 18 ईयर हो तो भाई 18 ईयर कम ही कर लेना, फायदा में रहोगे। अगर आप लोग ई स्पोर्ट के लिए आगे जाने वाले हो तो भाई उसमें आपका यहां पर प्रूफ खोज सकता है। ठीक है, तो भाई अब आपकी मर्जी है, तो इससे भाई ये नहीं होता, आपकी मन है भाई, आप जो मैं तो भाई 18 ईयर का भाई हो तो भाई मैं 18 ईयर कर लेता हूं, तो भाई आप जो भी हो तो यहां पर कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, अगर आप लोग 18 ईयर से कम हो तो भाई आराम से आप वेरीफाई कर लोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, दूसरा जो डाउट आ रहा है यहाँ पर देखो, दूसरा है यहाँ पर प्ले आपको यहाँ पर लिमिटेड टाइम लगाया जाएगा, मतलब गेम प्ले जो होता है ना ब्रदर उसको लिमिटेड यहाँ पर टाइम लगाया जाएगा। मतलब जैसे होता है कि ऑल यूजर के लिए, मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब प्ले टाइम क्या लिमिटेड होने वाला है, ऑल यूजर विल बी सब्जेक्टेड टू ए डेली प्ले टाइम यहाँ पर 3 आवर। मतलब जो 18 ईयर से कम है, जो मैंने क्या बोला, जो 18 ईयर से जो कम सेलेक्ट करेगा बस वे 3 घंटा खेल सकता है। कितना खेल सकता है? 3 आवर खेल सकता है, मतलब ओपन करके नहीं रखना। अब जो प्ले करोगे ना कितना घंटा खेल पाओगे? 3 घंटा खेल पाओगे। ठीक है ब्रदर, एंड साथ में यहां पर लिखा हुआ है जो 18 ईयर से कम जो सिलेक्ट करेगा नंबर देकर ओटीपी जो सिस्टम करेगा, ठीक है, एंड साथ में जो 18 ईयर से ऊपर है, ठीक है, वे मतलब देखो ये फ्री फायर इंडिया के लिए भी होने वाला है, मतलब ये नहीं कि ओनली फ्री फायर मैक्स के लिए। यहां पर देख पा रहे हो इंस्टाग्राम पर गरीना ने पोस्ट किया, सगर पोस्ट किया, ठीक है, अगर आप सबको पता है तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैं डिटेल के साथ वीडियो लाया हूं, लंबा होगा लेकिन आप पूरा डिटेल के साथ समझोगे। ठीक है, तो भाई 6 आवर खेल पाओगे, 6 आवर दिन भर में, ठीक है ब्रदर, 6 आवर कर खेल पाओगे 18 ईयर के ऊपर वाले यूजर, अब कितने साल के भी हो, ठीक है, समझ गए, 18 ईयर के जो ऊपर जो सिलेक्ट करेगा। यहां पर गरीना ने लिखा है अगर आप इसे टाइम को बढ़ाना चाहते हो तो आप अगर इसे लॉग आउट करोगे ना तो आपकी यहां पर लिमिट यहां पर जो होता है मतलब बढ़ जाएगा, मतलब जो लिमिटेड जो टाइम होता है ना, जैसे अगर 3 आवर है या 6 आवर है, उसे ज्यादा खेलना चाहते हो आपको गेम को लॉग आउट कर देना है ऊपर से, मतलब आपको सेटिंग पर जाकर आपको पता ही एंड आपका टाइम वहां पर बढ़ने का मतलब मौका मिल सकता है। ठीक है, यहां पर खुद गरीना ने
नहीं लिखा है। अब यहाँ पर मैं थर्ड नंबर के में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको टेक ए ब्रेक यहाँ पर आपको मिलने वाला है, मतलब आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे आप गेम लगातार खेल रहे हो, छह आवर खेल रहे हो, ठीक है, ज्यादा तो 18 ईयर सिलेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले बता दिया हूँ। अगर करते हो तो भाई यहाँ पर आपको दो आवर जैसे आपने खेला, ठीक है, दो आवर लगातार खेल रहे हो ना, तो दो आवर के बाद एक आपको ब्रेक वाला, मतलब ब्रेक का एक मतलब आपको समझो एक तरह नहीं तो मतलब अलार्म लगाते हो सुबह मॉर्निंग में, उसी तरह आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने दो आवर खेल लिया। आप चाहो तो यहाँ पर बंद कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, समझ रहे हो। ये समझो एक रूल है कि इससे अच्छा होगा कि आप गेम मतलब आपने क्या होता है कि लगातार 3 घंटा 4 घंटा आप लोग खेल के पेलते रहते हो तो इस तरह नहीं कर पाओगे, 2 घंटा के बाद आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो भाई तीसरा वाला आप लोग समझ गए। चौथा क्या है? चौथा स्पेंडिंग, मतलब स्पेंड जो मतलब आप लोग डायमंड जो खर्च करते हो ना ब्रदर, बस ये मतलब यहाँ पर होने वाला है, लिमिट होने वाला है यूजर अंडर 18 ईयर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर डेली मतलब आप लोग लिमिट के हिसाब से मतलब पैसा खर्च कर सकते हो, 3,000 4,000 वे गेम में खर्च करोगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। एक दिन में चाहोगे तो आप जितना अनलिमिटेड जैसे अभी आप वीकली मंथली खोल लेते हो ना, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मंथली वीकली से मुझे याद आ गया कि अगर आप लोग मंथली वीकली खोलना चाहते हो सस्ते में तो भाई मेरी एक शॉप है एजी गेम शॉप, यहाँ पर से कर सकते हो, विजिट कर लेना। अगर आप नए हो तो पता नहीं होगा, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है सबको लगभग पता है, ठीक है। तो भाई ये ऑफर समझो हम लोग की तरफ से चलता है, इसलिए भाई लिमिटेड टाइम के लिए उसमें भी है, ये नहीं कि भाई सब लोग कर सकता है, समझ रहे हो। तो अब सबसे बड़ी बात है, चलो यहाँ पर स्पेंड वाला समझ गए कि ये भी क्या होता है कि बहुत लोग पैसा बर्बाद कर देता है, भाई इसमें भी अब लिमिट लगने वाला है कि आप इतना पैसा नहीं उड़ा सकते हो गेम में, समझ रहे हो। ये भी बढ़िया चीज है, ये मतलब समझो चालू हो गया है इससे, समझ रहे हो। एंड मतलब ये जब हम लोग का जब फ्री फायर इंडिया आएगा तो भाई पता है इसमें भी गेम तो बराबर ही होगा ना ब्रदर। अब सबसे पहले पचमा देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो आप जब भी गेम ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। जब ऐसा आता है यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि आपको मतलब एक मतलब आपको अलर्ट मिल जाएगा कि मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो वर्चुअल वर्ल्ड का, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्चुअल वर्ल्ड का अलाउन मतलब ये मिल जाएगा। जब इसे आप कंफर्म करोगे तभी आप गेम प्ले कर पाओगे, जैसे आप ओपन करते हो तो आपके सामने ये आएगा, जब आप कंफर्म करोगे तभी कर पाओगे। ये आपके साथ हमेशा होने वाला है, जब बार आप गेम ओपन करोगे तो ये ऑप्शन आएगा कि आप लोग अब आप लोग आराम से मजे ले सकते हो गेम प्ले करके, ठीक है। तो भाई यही 5 रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा जो फ्री फायर इंडिया में भी आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट चीज था जो गाइज मैंने आपके साथ यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ शेयर किया, ठीक है। कुछ बात बोलना चाहूंगा गाइज, देखो ये रूल को फॉलो करना, एंड मैं बोलना चाहूंगा भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी ये एज वाली जो प्रॉब्लम है ना भाई टेंशन न लो। अगर आप लोग एज चेंज करना चाहते हो, अगर आपने धोखा से 18 कर लिया ओटोपी डाल के, ठीक है, इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। 30 डेज के अंदर आप लोग चेंज कर सकते हो, मतलब 30 डेज के अंदर आप लोग एक बार चेंज कर सकते हो भाई, ऐसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वंस एवरी 30 डेज, मतलब एक बार चेंज कर सकते हो। अगर आपने गलती से ये कर लिया तो भाई आप लोग 3 आवर ही खेल पाओगे, तो आप लोग 18 करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने बोला भाई ये नहीं कि इससे बहुत लोग यूट्यूबर बोलते हैं भाई इससे मेरी आईडी बैन हो जाएगी आगे जाके, तो भाई अगर आप स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तब भी यार 18 ईयर वाला ही जा कोशिश करता है तो भाई कम वाला बहुत कम ही बंदे होते कोशिश करते हैं, तब भी आपकी मर्जी है। मैंने बोला भाई कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से गेम प्ले कर सकते हो, अगर आपका पापा मम्मी का अगर आईडी बना हुआ है तो फिर 18 है तो भाई आपको 18 डायरेक्ट सेलेक्ट कर ही लेना है, फिर आपको तो परमिशन मिल ही गया होगा। तो आई होप कि गाइस यार आप लोग, यही एक छोटा मोटा अपडेट था जो गाइस मैंने आपको डिटेल के साथ यहाँ पर शेयर किया। अगर आपके दिमाग में जो भी डाउट है फ्री फायर इंडिया रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट कर सकते हो, 100% सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी डाउट एड कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई अदर यूट्यूबर के जैसा नहीं 100% रिप्लाई देता है। अगर आप लोग एसजी गेम्स के बारे में नहीं जानते हो, अगर देखना चाहते हो वीडियो तो भाई लैपटॉप वाला जो वीडियो है इस पर क्लिक करो, डिटेल के साथ जानो। अगर आप लोग इसी अपडेट पर बहुत सारा चेंजेस हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हो भाई राइट वाला वीडियो पर क्लिक करो एंड डिटेल के साथ समझ सकते हो। इंस्टाग्राम चला तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। चलो गाइस मिलते हैं इसी तरह के मजेदार वीडियो में, टाटा बाय बाय।